नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और ये देख सकते हैं 6 साल पुराना गो कार्ट लोडर है। ये लोडर है, 6 साल पुराना हो गया है। इसका बॉडी के हाल देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये पहले तो अंदर का दिखा दे, उसके बाद बाकी जानकारी आप लोगों को देंगे। ये देख सकते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर के हाल देख के खुद ही समझ जाइए कि ये कितना पुराना और इसका हाल क्या हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 6 साल पुराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी उतना ही लोड लेके चल जाता है। इसमें 600 से 700 किलो अभी भी लोड लेता है। अब ये देखिए, ये पूरा इसका बॉडी, ये काफ़ी पुराना होने के वजह से जो है इसका बॉडी काफ़ी मतलब ढीला ढाला हो गया है, लेकिन फिर भी ये उसी तरह से चलता है। ये देख सकते हैं बैटरी, जो 60 एम्पीयर के बैटरी है। और ये मोटर के हाल देखिए दोस्तों, ये मोटर काफ़ी पुराना हो गया है, फिर भी अभी भी उतना ही वर्क करता है। और ये देख सकते हैं यहाँ, ये ब्रेक सिस्टम है इसका। गो कार्ट में किस तरह से ब्रेक सिस्टम रहता है, ये काफ़ी लोगों का कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में था, तो आप लोगों के लिए है। और ये देख सकते हैं पेडल से चलाने वाला चैन है, तो इसका यूज़ ना के बराबर होता है, इसीलिए उसमें जंग पड़ गया है। और ये देखिए इसका मोटर का हल। ये दोस्तों निप्पन कंपनी का एक कीट आया था 3,500 रुपया का, वही कीट है। इस समय ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और ये जब तक था तब तक ये सारे मोटर का बाप था, लेकिन अब ये नहीं मिलता है। इसी की जगह पे KTC, बेंगल टाइगर, स्पोर्ट्समैन वगैरह बहुत से कीट आया है। तो कीट में क्वालिटी वही रहता है, केवल नाम अलग अलग आता है। और दोस्तों देख सकते हैं ये बैटरी, 4 बैटरी आता है लीड एसिड का। और इसका बॉडी के कंडीशन आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। आगे से राइट हैंड में इसका पैर से ब्रेक लगाया जाता है, देख सकते हैं इस तरह से, और पीछे वो ब्रेक शू में ब्रेक लगता है। दोस्तों इसका स्पीड देखिए, काफ़ी लोगों के डाउट रहता है कि स्पीड में नहीं चल पाएगा, लोड नहीं ले पाएगा, और काफ़ी समय तक ये मोटर कीट वगैरह नहीं चलता है, तो आप लोगों के डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर गौर से देखे होंगे या लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये इस गाड़ी में इस समय हमारे अलावा 3 आदमी और सवारी बैठे हुए हैं, और ड्राइवर भी है। ये तो अभी बहुत कम लोड है, इस पर 600-700 किलो तक लोड लेके ये चल जाता है, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि ये 700 किलो ले जाता है, लेकिन हम लोग 500-600 किलो इसमें लेके चले जाते हैं बड़े आराम से। तो दोस्तों इसमें डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि 750 वाट का मोटर है, कंट्रोलर है, लेकिन लोड बहुत हैवी लेता है, और स्पीड भी आप लोगों के सामने ही है। स्पीड 40 से 45 के लगभग है, और ये 4 आदमी को लेकर के चल रहा है। और दोस्तों आगे कुछ क्लिप और दिखाएंगे, वीडियो के छोटा छोटा क्लिप भी रहेगा, जिसमें देख के आप लोग समझ जाइए कि ये इस गाड़ी से जो है कितने तरह के सवारी, वजन, कितने तरह तरह के सामान इसमें ढोया जाता है। इसको गो कार्ट कहा जाता है, और बंगाली भाषा में इसको इलेक्ट्रिक वैन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वैन, मोटर वाला वैन भी कोई कोई बोलते हैं, मोटर वाला वैन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं रास्ता काफ़ी साफ सुथरा है, और एकदम सुबह के समय है, करीब करीब इस समय 6 बज रहा है सुबह, रास्ता एकदम खाली है। इतना खाली तो रास्ता नहीं मिलता है, अगर दिन के समय में होता तो रास्ता खाली नहीं रहता,
और इतना स्पीड में आप लोगों को दिखा भी नहीं पाते। और पीछे से देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये जो गोकार्ट है, जो इलेक्ट्रिक वैन है, ये बंगाल भर में, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है और ये सक्सेसफुल भी है। तो आप लोग इसके लिए, इस मोटर किट के लिए कोई टेंशन ना ले, ये बहुत अच्छा चलता है। अगर आपके कनेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो तो इसमें कोई इतना आसानी से जलने वाला कोई भी सामान नहीं है। बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, कॉपर वाइंडिंग होता है, बस आप गलती ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजन तो बहुत ले लेता है, विश्वास मान सकते हैं इसको। तो दोस्तों, इसके आगे और भी छोटा छोटा क्लिप है जो इस वैन के अलावा दूसरे वैन को भी दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक वैन दिखाया गया है, उसको लास्ट तक देखेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये में चलता है, यहाँ लोगों का इनकम का जरिया है, यहाँ ये वैन चला करके काफ़ी लोग काफ़ी पैसा इनकम करता है। तो आप भी अगर कुछ सोच रहे हैं, अगर बिजनेस छोटा मोटा सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस तरह के गो कार्ट बना करके उसमें दूर दूर तक जा सकते हैं। और इस ड्राइवर का कहना है, क्योंकि ये मेरा अपना घर का ही गाड़ी है, फिर भी मैं तो नहीं चलाता, जो चलाते हैं आपके सामने हैं, उनका कहना है कि ये 90 किलोमीटर के लगभग एवरेज भी देती है। लेकिन दोस्तों, ये लीड एसिड बैटरी से चल रही है और 60 एम्पियर की बैटरी है और लगभग एक साल हो गया है इसको चलते हुए, एक साल से ऊपर हो गया है, अभी भी 90 किलोमीटर चलती है ये। और आप लोगों को इससे पहले दिखाया है, बैटरी मानुष मार्का बैटरी का नाम है, मेड इन चाइना होता है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं इसका 48 वोल्ट और 120 एएच का, मतलब 120 एएच का ये चार्जर है। और इस तरह से ये चार्जिंग सॉकेट जो है कनेक्ट हुआ है, देख सकते हैं आगे से। और ये है मानुषमार का बैटरी, चार बैटरी लगा होता है। और ये चार्जर का इंडिकेटर देख सकते हैं, रेड ग्लो हो रहा है, मतलब अभी चार्ज हो रहा है, जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा तो एक ग्रीन हो जाएगा। तो अभी ये चार्जिंग कर रहा है। और इस तरह से ये लगाया गया, कोई भी बोर्ड में ये चार्ज हो जाता है, नॉर्मल घर के बोर्ड से ही चार्ज हो जाता है। और दोस्तों, देख सकते हैं ये छोटा छोटा दो क्लिप आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। आगे देख रहे हैं, ये एक लगभग 300 किलो लोड लेकर के ये चल रही है और गाड़ी के मीटर में 30 के स्पीड दिखा रहा है। और इनसे पूछा गया, बात हुआ, तो ये बता रहे थे कि इससे भी स्पीड में चल जाती है, मतलब 40 से 45 की स्पीड में ये चल जाती है। तो आगे इनका बातें सुनाते हैं आप लोगों को। छह सौ किलो आराम से। कत स्पीडे चले जाए? पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, आगे और वीडियो आने वाले।